स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट को पाने के लिए स्पोर्ट 360 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर शकलेन मुश्ताक के बारे में। तो दोस्तों, शकलेन मुश्ताक ने 1999 की वर्ल्ड कप की कुछ यादें शेयर की हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शकलेन मुश्ताक ने बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1999 वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों से अपने परिवार को घर भेजने के लिए कह दिया था, लेकिन मुश्ताक क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को होटल की अलमारी में छिपा दिया था। 1999 के विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची थी। टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से हराया था और दूसरी बार विश्व कप जीता था। तो शकलेन मुश्ताक ने बताया है कि 1998 में मेरी शादी हुई थी और पत्नी लंदन में ही रहती थी। वर्ल्ड कप के दौरान मेरे साथ ही होटल में रुकी थी और मैं शाम को पूरा समय पत्नी को देता था। तभी क्रिकेट बोर्ड ने परिवार को घर भेजने का फैसला कर लिया था। तभी अजहर महमूद कमरे में आ गए और उन्हें शक हुआ और हम दोनों पकड़ा गए। तो दोस्तों, यह था किस्सा 1999 वर्ल्ड कप का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।